कांग्रेस नेताओं ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का घेराव किया। विश्वविद्यालय द्वारा फीस भरने के बाद भी छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठाने की धमकी का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने कुलपति को दिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं द्वारा आधी फीस भरने के बाद भी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में नहीं बैठने की धमकी दी जा रही है। साथ ही उनसे दूसरे सेमेस्टर की फीस भी मांगी जा रही है जो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। इसके साथ ही महाविद्यालयों के द्वारा फीस ना भरे जाने की स्थिति में छात्रों पर प्रतिदिन पेनाल्टी लगाई जा रही है, जिसके विरोध में कुलपति को ज्ञापन देकर छात्रों की परेशानी हल करने की मांग की है। आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुल सचिव महोदय कुलपति महोदय जी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि शहर के जितने विभिन्न महाविद्यालय है उनमें अधिकतर छात्रों ने आधी परीक्षा जो है फीस जमा कर दी है और उसके बावजूद फर्स्ट सेमेस्टर की या तो परीक्षा होने वाली है या चल रही है, मगर उसके बावजूद जो है सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा के नाम पर जो है उनसे फीस मांगी जा रही है और फीस जमा नहीं करने पर उनके फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किए जा रहे हैं, जिससे कई छात्र वंचित रह गए हैं। वहीं 25 रुपये या 50 रुपये प्रतिदिन पेलेंटी की बात की जा रही है, पेलेंटी लगाई जा रही है। गत दिनों उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी ने यहाँ पर आदेश दिया था कि जो भी महाविद्यालय पेलेंटी के नाम पर वसूली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। विश्वविद्यालय ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। आज हमने इन्हीं मांगों को लेकर कुलपति महोदय जी को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही सभी शहर के सभी महाविद्यालयों में जो है परिपत्र भेज रहे हैं। साथ ही प्रदेश की शिवराज सरकार ने 2 साल से जो है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को जो है स्कॉलरशिप नहीं दी है, जिससे छात्र छात्राओं को काफी दिक्कत आ रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। आज जो देवेंद्र यादव जी ने आपको ज्ञापन दिया है, इस संबंध में क्या कहना? माननीय देवेंद्र यादव जी ने अभी ज्ञापन प्रस्तुत करके ये कहा है कि बहुत से निजी महाविद्यालयों द्वारा फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के साथ साथ सेकंड सेमेस्टर की फीस भी वसूली जा रही है, तो उसके बारे में उन्होंने शिकायत दी है और हमसे उसका निराकरण चाहा है। उसने एक पत्र लिखने को कहा है जो हम लोग अभी लिखेंगे कि किसी भी कॉलेज से गलत वसूली न की जाए, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ही ली जाए, उसके आगे की फीस न ली जाए।